हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप अभी आपको पता होगा कि सरिया का दाम काफ़ी कम हुआ है, रेट अभी का उसका कम हो गया है, तो उसके हिसाब से अभी क्या खर्च आ रहा है घर बनाने में सरिया के सस्ता होने से। ठीक है, सरिया अभी कम हुआ था रेट, तो क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है, क्या आपको घर बनाने में कितना खर्च आ रहा है 1,000 स्क्वायर फीट में, तो मैं उसी का रेट बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, और बाकी जो भी रेट ऊपर नीचे हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी क्या खर्च आ रहा है इस मंथ में या अगले मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं घर बनाना, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या खर्च आ रहा है, तो उसके बाद देखते हैं वह क्या खर्च आ रहा है। ठीक है, सो मैं बताने वाला आपको कि क्या अभी अप्रॉक्स में खर्च आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या खर्च आ रहा है अभी। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्राउंड फ्लोर का 1,287 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब कैसे आ रहा है ये आपको बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का देखिए, यहाँ पे 823 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रहा है। टोटल खर्च आ रहा है आपको 21,10,000 रुपये। ठीक है, 21,10,000 यहाँ पे देख रहे हैं आप, 21,10,000 रुपये आपको अप्रॉक्स में खर्च आ रहा है। ठीक है, ये उसमें देखिए कॉन्ट्रैक्टर रेट यहाँ पे 220 रुपये लिखा गया है। ठीक है, पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर के लिए, और फर्स्ट फ्लोर के लिए 140 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, वो तो आपकी तरफ क्या चार्ज है ये जो नीचे कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, ये मैं अप्रॉक्स में एवरेज बता रहा हूँ कि 220 रुपये आपको ग्राउंड फ्लोर पर चार्ज करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और फर्स्ट फ्लोर पे 140 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, टोटल खर्च यहाँ पे देखिए अभी 21 लाख रुपये के आसपास आ रहा है खर्च आपको। ठीक है, अब ये कैसे कैसे आया है आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, कि नीचे में कि क्या अप्रॉक्स में आपको खर्च आ सकता है ग्राउंड फ्लोर पे, क्या फर्स्ट पे, और क्या अभी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या खर्च आ रहा है यहाँ पे, तो उसी का वीडियो चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है, सो यहाँ देखिए आप टोटल कॉस्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कॉस्ट आ रहा है 21,10,000 रुपये जो मैं ऊपर बताया आपको, उसको देखिए फिनिशिंग कॉस्ट आ रहा है 13,25,000 रुपये। ठीक है, दोनों फ्लोर का ग्राउंड प्लस वन। ठीक है, देखिए 21 लाख आ रहा था ग्राउंड फ्लोर का, और फिनिशिंग कॉस्ट सॉरी 21 लाख ग्राउंड प्लस वन में स्ट्रक्चर कॉस्ट है, और फिनिशिंग कॉस्ट है 13,25,000 दोनों फ्लोर का। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे 34 लाख के आसपास आपको खर्च आएगा ग्राउंड प्लस वन में विथ कंप्लीट फिनिशिंग। ठीक है, कंप्लीट फिनिशिंग करवाते हुए आपको 34 लाख के आसपास खर्च आ जाएगा। ठीक है, अभी ये कैसे आया आपको इस वीडियो में मिलेगा आगे। ठीक है, और अभी जो करंट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा आपको कि क्या कितना आपको खर्च पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का ये मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीमेंट बैग आपको लग जाएगा 400। ठीक है, 400 बैग सीमेंट लगेगा, सैंड आपको लगेगा 3,000, स्टील आपको लग जाएगा 4,500 kg। ठीक है, और ग्रेवल लग जाएगा आपको 2,000, और ब्रिक आपको 10,000 के आसपास लग सकता है, बाकी डिपेंड करता है क्या आपका प्लानिंग है उस पर भी। ठीक है, तो ये सब देखिए क्वांटिटी बता दिया मैं आपको, अभी रेट बताता हूँ। देखिए रेट यहाँ पे 420 के आसपास चल रहा है अभी सीमेंट का पर बैग। ठीक है, और देखिए सैंड का अभी चल रहा है यहाँ पे 65 रुपये पर CFT। स्टील का रेट अभी काफ़ी डाउन हुआ है। ठीक है, 72 रुपये kg अभी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 80-90 रुपये भी गया था, 90 रुपये प्लस गया हुआ था रेट। और ग्रेवल का देखिए आप, ग्रेवल का रेट सबसे हाई है अभी, 135 रुपये के आसपास अभी पड़ रहा है ग्रेवल का रेट। ठीक है, उसको देखिए ब्रिक का रेट भी अभी काफ़ी हाई हो चुका है, 11 रुपये ब्रिक मिल रहा है यहाँ पटना में, यानी 17,000 के आसपास आपको मिल रहा है। 1,500 ब्रिक आप ले रहे हैं तो 17,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अप्रॉक्स में आपको 11 रुपये के आसपास पड़ रहा है ब्रिक यहाँ पे पटना में। ठीक है, और उसको देखिए 1,68,000 आपको सीमेंट बैग खर्च आएगा सीमेंट पर, जो कि 420 के रेट आप ले रहे हैं, तो अगर सेंड पर आपको 1,95,000 रुपये खर्च आ जाएगा, स्टील पर आपको 3,24,000 रुपये खर्च आएगा, ग्रेवल पे आपको देखिए 2,70,000 रुपये खर्च आएगा जो कि काफ़ी रेट अभी हाई हो गया पटना में, और ब्रिक का 1,10,000 रुपये। ठीक है, टोटल मटेरियल कॉस्ट देखिए 10,67,000 है, और लेबर कॉस्ट है 2,20,000, दोनों को ऐड करते हैं तो आपको 12,87,000 रुपये आपको ग्राउंड फ्लोर पे खर्च आएगा। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर का एस्टिमेशन है। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको 12,87,000 रुपये खर्च आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो आप रेट देख रहे हैं, रेट अभी करेंट रेट यही चल रहा है सेम रेट। ठीक है, ये सब जो आप रेट देख रहे हैं ये करंट है, अभी मार्केट रेट है। ठीक है, इस मंथ का है, जून 2022। ठीक है, ये सब रेट है। ठीक है, बाकी देखते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे क्या खर्च आएगा, ये था ग्राउंड फ्लोर का। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे ही देख लेते हैं क्या खर्च आएगा। देखिए फर्स्ट फ्लोर का ये आ गया, फर्स्ट फ्लोर या एवं आप सेकेंड फ्लोर बनाए तो अप्रॉक्स में सेम आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8,23,000 के आसपास खर्च आ रहा है। ठीक है, जिसमें 6,83,000 आपको मटेरियल कॉस्ट है, और 1,40,000 आपको लेबर कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीमेंट है 300 बैग लगेगा आपको फर्स्ट फ्लोर पे, सैंड यहाँ पे लगेगा 3,000 CFT, स्टील आपको लग जाएगा यहाँ पे 2,500 kg, ग्रेवल लग जाएगा आपको 700 CFT, और 8,000 आपको लगेगा ब्रिक। ठीक है, रेट यहाँ पर देख रहे हैं जो ऊपर था सेम यहाँ पर रेट है, 420 रुपये आपको पड़ेगा सीमेंट का। ठीक है, और सैंड का देखिए 65 रुपये है,
स्टील का वो 72 रुपये है और ग्रेवल का 135 रुपये है, ठीक है। और ब्रिक का आपको 11 रुपये पर ब्रिक है, तो आपको कॉस्ट ये देखिए 1,26,000 रुपये आपको पड़ेगा सीमेंट का, ठीक है। और सैंड का पड़ेगा आपको 1,95,000, स्टील का पड़ेगा आपको 1,80,000 और ग्रेवल का पड़ेगा आपको 94,500, ठीक है। और ब्रिक का पड़ेगा आपको 88,000 रुपये, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट है फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर का आप कॉस्ट देख लीजिए कितना लग रहा है आपको, अगर आप इस मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं घर बनाना, तो 6,83,000 आपको मटेरियल पर खर्च आ सकता है टोटल, और 1,40,000 रुपये आपको खर्च आ जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो और टोटल दोनों को ऐड करते हैं तो 8,23,000 रुपये आपको फर्स्ट फ्लोर पर खर्च आ जाएगा, और ये था ग्राउंड फ्लोर पर 12,87,000 रुपये, ठीक है। देखिए 12,87,000 रुपये आपको आ रहा था ग्राउंड फ्लोर पर, और यहाँ पे आपको आ रहा था 8,23,000, ठीक है। उसको देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो आपको 21 लाख के आसपास खर्च आ जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करते हैं ग्राउंड प्लस वन का, तो 21 लाख के आसपास खर्च आ जाएगा आपको टोटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑनली, ठीक है। ये फिनिशिंग इसमें नहीं है, कोई भी प्लास्टर वर्क ये सब इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपका प्लिंथ हाइट है ज़्यादा, तो आपका प्लिंथ हाइट ज़्यादा है तो आपको और कॉस्ट ये बढ़ सकता है, ठीक है। सो दोनों का ऐड करते हैं तो आपके 21,10,000 रुपये आपको स्ट्रक्चर कॉस्ट आएगा, सिर्फ ओनली स्ट्रक्चर कॉस्ट है, ठीक ठीक है। यानी ब्रिक वर्क और फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कॉस्ट है ओनली 21 लाख के आसपास, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अप्रॉक्स में एक फिनिशिंग में क्या खर्च आ सकता है अप्रॉक्स में, ठीक है। तो ये सब फिनिशिंग का कॉस्ट है, देखिए फिनिशिंग का एक अप्रॉक्स में देख सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फिनिशिंग करवा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। 4,22,000 के आसपास खर्चा आ जाएगा प्लास्टर वॉल पुटी करवाते हुए आपको ग्राउंड प्लस वन में, 1 लाख के आसपास आपको पेंट करवाते हुए आ जाएगा, टाइल्स पे आपको 3 लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा, विंडो आपको 63,000 खर्चा आ जाएगा, डोर पे आपको 71,000 के आसपास खर्च आ सकता है, प्लम्बिंग पे आपको 1,16,000 के आसपास है, और इलेक्ट्रिकल पे 1,43,000 और सैनिटरी पे आपको 86,000 रुपये, ठीक है। ये सब फिनिशिंग वर्क में है, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फिनिशिंग करवा रहे हैं उस पर भी, ठीक है। तो ये सब देखिए अब रेट जो अभी करेंट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कितना खर्च आ रहा है आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और 1,000 स्क्वायर फीट में क्या खर्च आ रहा है अभी आज का इस जो अभी करेंट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार आपको बताता हूँ कि क्या खर्च आ रहा है टोटल। देखिए 1,287 रुपये आपको फर्स्ट सॉरी ग्राउंड फ्लोर पर आ रहा था पर स्क्वायर फीट खर्च, फिर 823 रुपये आपको आ रहा था फर्स्ट फ्लोर पर खर्च स्ट्रक्चर कॉस्ट ओनली, 21,10,000 आपको खर्च आ रहा है टोटल कॉस्ट, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर कॉस्ट। बाकी इसमें प्लिंथ अगर हाइट आपका ज़्यादा है यानी 5 या 6 फीट है तो आपको और ज़्यादा इस कॉस्ट जा सकता है ऊपर, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर रेट यहाँ पे देखिए 220 रुपये पर स्क्वायर फीट है और 140 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको फर्स्ट फ्लोर पर है, ठीक है। तो ये सब करेंट रेट है अभी, जो करेंट रेट के अकॉर्डिंग ही बताया इसमें बताया गया है कि अप्रॉक्स में आपको क्या खर्च आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बार देख सकते हैं आप 21,10,000 आपको स्ट्रक्चर कॉस्ट है, फिनिशिंग कॉस्ट आपको 13,25,000 के आसपास है ग्राउंड प्लस वन में, ठीक है। और दोनों का ऐड करते हैं तो आपको 34 लाख के आसपास कंप्लीट फिनिशिंग करवाते हुए आ जाएगा, ठीक है, विथ मटेरियल और लेबर कॉस्ट के साथ, ठीक है। 34 लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा आपको टोटल, ठीक है। सो वीडियो अच्छा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप इस मंथ से अगले मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो अप्रॉक्स में आपको 1,000 स्क्वायर फीट में अब देख रहे हैं कितना खर्च आ सकता है, बाकी डिपेंड करता है कि आपके साइट कंडीशन पे भी, ठीक है। सो मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।